बाथरूम दे विच अपने प्रेमी दे नाल सी महिला उपरो आ गया पति। पति ने फिर बाहर तो लगा दित्ती कुंडी। मौके ते सद ले कुड़ी दे पेके वाले। तां दस्सदे कि रिश्तियां नूं तार तार करन संबंधी एक घटना सामने आई है जिथे एक व्यक्ति दे वल्लों अपनी पत्नी नूं किसे होर व्यक्ति दे नाल पाया गया। तां घटना ताजपुर इलाके की दसी जा रही है। मौके ते मौजूद महिला दे पति ने दस्सिया कि उसनूं पिछले काफ़ी लंबे दिनों तो अपनी पत्नी ते शक सी। इसी दौरान उसनू किसी व्यक्ति का फोन आया। उसने दसिया कि उसकी पत्नी किसी होर व्यक्ति के नाल बाथरूम के मौजूद सी, जिस तों बाद उसने बाथरूम नू बाहर तो कुंडा लगा दिता। इस संबंधी सूचना फिर पुलिस नू अते लड़की के पेके वाले नू दिती गई। फिलहाल वह अपनी पत्नी के नाल होर नहीं रहना चाहता। तो इस दौरान इलाके दे विच कई होर लोग भी मौजूद सी। हालांकि इस मामले दे विच पुलिस ने कुछ भी कहने तो मना कर दिता। तो उधर दूजे पासे महिला ने दस्या कि उसके नाल धक्का किया गया है। जिस मुंडे दे नाल उसनू जोड़िया जा रहा है वह असल दे विच उस तो 2000 रुपये लैन आया सी। महिला के मुताबिक वह बाथरूम दे विच पैसे लैन गई सी। भैया नाम क्या आपका? राज। ये क्या बात है, थाने आई हो? थाने आया, मेरी वाइफ किसी नाल फड़िया गई बाथरूम से। मैं काम से गया सी, गुआंढी मेरे जो है फोन किया कि तेरा वाइफ किसी नाल बैठा हुआ बाथरूम से। मैं क्या कुंडी ला दे, मैं आ रहा। आया देखा दोनों अंदर बैठा सी। अच्छा, हाँ कड़ी जगह का मामला है? ये कड़ी जगदीशपुरा चार नंबर गली सत्संग दे सामने। तुहाडा की नाम है? मेरा नाम राज। वाइफ दा नाम की है? सुमन। की होया की है? होया ही है कि जो मेरे नाल नहीं रहना चाहता मुंडे नाल गल करता सीधी दस दिन नहीं रहना, तलाक लैके अपने घर में जा। दूजे मुंडे नाल फड़िया गया, मैं ये ना रखना रहना ना रहना। किन्ने साल हो गए? मैरिज 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल पहला भी करी? पहला भी 3-4 बारी। अच्छा, ये बड़े भरा पता है सारा कुछ। अच्छा, जब पहला फड़िया फिर उदो कोई कार्रवाई भी एक्शन नहीं लिया? एक्शन उतना नहीं लिता। मैं चलो घर वाले करे एक मौका दे देता सी। हूँ तो रंगे हाथ फड़िया गया, हूँ तो रंगे हाथ इन्हें बेजती होने तो बाद कि बंदा रखूगा? मैं रखना है नहीं अपने घर में, मैं अपने घर। अच्छा, हाँ जी। जब इन फड़िया बाद कौन कौन सी? उत्थे काफ़ी लोग सी, 8-10 जने से जो कुंडी लाए से। अच्छा, जो मैं आगे देखे अंदर दोनों ही सी। पूरा मैटर समझाओ कि मतलब इतला मिली है? इतला मिलिया मेरा मामे के मुंडे ने फोन किया, तेरी घरवाली किसी मुंडे नाल बाथरूम से बैठा हुआ। अच्छा, उन्हें कुंडी लवा दी। मैं कुंडी ला दे, मैं आ रहा। आगे देखा दोनों अंदर बैठा सी। अच्छा, दोनों हाथ जब गल करता फिर हाथ फड़ के मैं कुंडी खड़काया। कहता कौन है? मैं कहता मैं गेट खोलिया ना, मैं उपर चढ़ के गया। मैं क्या कौन है? कहता पैसे लेने। पैसे लेने कोई बाथरूम ही जाना है? पैसे तो बाहर भी मिल सकता पाया। कहता मैं पैसे लेना आया। पुलिस ने कहता जी फोन, कहता मैं थोड़ी देर तक आ रहा जी। अच्छा, पुलिस कितनी देर बाद आई? फिर आए हैं 10-15 मिनट तक आई है। अच्छा, तकरीबन किन्ने मतलब कितना टाइम अंदर रहे हैं दोनों? दोनों घट्टो घट 15-20 मिनट तक सी। आधा घंटा जो मैं आया उस तो बाद घट्टो घट मैं बंद कर रखे आधा घंटा रखा सी। जो घर वाला उधर आया आके फिर पुलिस वाला आया फिर उसके सामने खोला गया ताला। जितने सारे फड़े गए हैं कौन कौन लोग रहते जी अंदर? उसे सारे रहने। हाँ जी, बेड़े जी है सर। इन्होंने मेरे पहला भी बहुत बारी बदतमीजी की सी। बेड़े वाले सारे ने मैं इंचार्ज सी बेड़े की, सारी रेख देख मेरे से सी। इन्होंने ता खार खड़ी दो तीन बारी ये भी बाथरूम से मुंडे फड़े गए थे। मैं मकान वाले ने दस्या कि इदा की गल हैगी जी, इतने आ काम हो रहा इन्हें तो कमरा खाली कराओ। इन्होंने इस करके अच्छ खार क्ढ़ी है तो मुंडा बाथरूम से मुँह धो रहा है। मैं उतो से 2000 पैसे लैन उधार गई सी कि मेरे डैडी आओगे तो मैं आपे दे दाँगी तुम्हें। मैंने मेरा घर वाला कोई खर्चा नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। उपरों पुटते अलग से तो मैं इन्होंने पैसे लैना। इन्होंने धक्का मार के बाथरूम का गेट बंद करके अंदर वड़ के कुटी जा रहे थे, वीडियो बनाई जा रहे थे, फिर ताला मारता। मैं कहा मेरे घर दे आ रहे हैं, जिहड़ी गल करनी है मेरा घर वाला करे तो मेरे घर दे करे। तो सारे बेड़े वाले कहिंदे कि गंदियां गंदियां गालां कढ़ के इदां सीगी तू तां इहो सीगी। तो कहिंदे कि अज्ज असीं फैसला करांगे, देखदे तेरे घर दे की करदे, जस्सियां वाले की कर लैंदे साडे।
लड़की सियान सियान सभी हैं, ऐसे मैं गलत हम देखे दो तीन दिन हम देखे छोड़ दिए, आज बकरा गया मैं कुंडा लगा दिए। अच्छा, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? दो दात हुआ था पहले। अच्छा। मैं बाबा को जानकारी हो जाता हूँ, निकल जाता रहा, आज पकड़ लिए, आज कुंडा लगा दिए। तो इनके घर वाले को पहले से नहीं पता था कि ऐसा भी हो रहा है? अब ये जो है इसका काम जो है हम नहीं जानते ना, मैं नहीं बोलते नहीं, नहीं मैंने पता थी, लेकिन सबूत हाथ से नहीं थी। अच्छा, सबूत बात में छोड़ देती थी। अच्छा। वही हम देखे तो ये बच्चे थोड़ा फोन में बिजी रहा था, मैं बोल रहा क्या बात है बिजी है, तो मेरे पूरी बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। अच्छा। मैं गई है बाथरूम, मैं सोचे बाथरूम जा रहे तो ऐसे देखते लाने वाला बाथरूम कुंडा लगी था, मैं बोली कौन है, कहता मैं हूँ, मैं धीरे धीरे कुंडा सटा दिया। पर वो कहते कि हमें जबरदस्ती धक्का देके अंदर पड़ा। झूठ बात है, मेरे घर वाला खत्म हो गया है, मैं बाप हूँ, अगर गलत बोल रहे, मेरे तीन लड़का है एक कुरिया है, मेरे घर वाला खत्म हो गया, मर्सिडीज पर बैठे हूँ, मन खा लिए हैं, हमको जहाँ मर्जी बैठा लो। ठीक, कहने का मतलब आप पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने धक्का मार के? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ कौन सा गलती मेरे घर। लड़के का क्या नाम था जिसको आपने पकड़ा लड़की के साथ? मेरे लड़के का नाम है पंकज। वो लड़का के हम नहीं ना जानते हैं, मैं बेरे के लड़के पहले भी कभी उसको देखा? हाँ, उसका पहले से भी बात होता है, बेरे से बेरे में रहते हैं। हाँ, लड़का बेरे में रहती है। तो अब लड़का कहाँ है? यहाँ ना नहीं है, पुलिस ने लाया था। वो पहले से दूसरे के दूसरे मटेरियल चल रहा था, उनका घर वाला को कहीं और दूसरे से शक था, तो वो सब हमको छोटा छोटा जवान जवान सा बच्चा है लड़की, हम लोग चले जाते हैं ड्यूटी पे, 9 बजे जाते हैं 7 बजे आते हैं, छोटा छोटा बच्ची रहती है, बूढ़ी रहती है बेरे में। परसों महीने 5:30 बजे आए थे काम करके, तो कुंडा लगा हुआ था देखे बाथरूम में, हम गए पैर हाथ धोने के लिए तो कुंडा बंद था अंदर से। कहा हम अपने लड़की को पूछे कि इसमें कौन है, कहा पता नहीं बहुत देर से कुंडा लगा है। अच्छा। फिर हम छोड़ करके घर बैठ गए, बस ये दोनों को देखे बाथरूम से निकलते। अच्छा। कितने टाइम के बाद पुलिस आई है जब आपने फोन किया हमको? पुलिस तो परसों नहीं आया, पुलिस तो आज आया। अच्छा, ये परसों की बात बता रहे हो? हाँ, परसों की बात बता रहे हैं, आज तो मैं भी नहीं थी, आज तो काम थी। तो जब, अच्छा आप आज नहीं थी? नहीं, मौके से लड़का पकड़ा गया। हाँ जी, पकड़ा गया।